हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है? क्या आपको पता है गरुड़ पुराण के अनुसार कैसे प्राणी नरक प्राप्त करते हैं और उन्हें इस लोक में कैसे दुख प्राप्त होते हैं? चलिए हम जानते हैं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म में रहित है, दुष्ट लोगों की संगति में है, सत्य शास्त्र से विमुख है, जो खुद को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है, धन मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं, मोह के जाल में फंसे हैं, कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे पापियों को इस लोक में शारीरिक रोग हो जाता है। वृद्धावस्था के कारण वह घर में कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसका आहार और चेष्टा कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से गुर्र गुर्र से शब्द निकलते हैं। व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता और उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसे चकित हो जाता है। प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। पापी जनों के प्राणवायु अगाध्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। गरुड़ पुराण का ज्ञान लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।